जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि माइनक्राफ्ट इज डाइंग, एंड सिर्फ मैं नहीं कह रहा बल्कि पिछले 6 महीने से ढेरों यूट्यूब वीडियोस बन चुकी है इस पे। इवन ये माइनक्राफ्ट का ग्राफ भी दिखाता है कि कैसे पिछले 1 साल में माइनक्राफ्ट का ग्राफ नीचे ही आ रहा है। और अगर मैं पूरे 5 साल का होराइजन में देखूं तो गेम की पॉपुलैरिटी 2020 के मे लेवल पे पहुंच गई है। इवन आप में से 55% लोगों ने भी माइनक्राफ्ट खेलना छोड़ दिया है। तो ऐसा क्या हो गया माइनक्राफ्ट को? क्या वो 10 रीजंस है जिनकी वजह से माइनक्राफ्ट फिर से डाउन जा रहा है, एंड वो कैसे वापस पॉपुलर हो सकता है, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला रीजन है वेरी लेस कंटेंट अपडेट्स। हमें कुछ खास मिल ही नहीं रहा यार। अगर आप 2021 देखो तो उसमें हमें केव्स एंड क्लिफ्स के 2 अपडेट्स मिले थे, 1.17 एंड 1.18, और ये दोनों ही मेजर अपडेट्स थे जिनमें बहुत कुछ नया ऐड हुआ, फिर चाहे वो नई केव्स हो, बायोम्स हो या मॉब्स एंड ब्लॉक्स हो। तो उस साल माइनक्राफ्ट बहुत पॉपुलर रहा क्योंकि गेमर्स को बहुत कुछ नया मिला था खेलने को। पर 2022 को अगर देखें तो हमें सिर्फ एक अपडेट मिला, 1.19 द वाइल्ड अपडेट। अब वो अपडेट भी अपने आप में बहुत बड़ा है, मतलब एंशियंट सिटी आ गई, वार्डन आ गया, नए ब्लॉक्स आ गए जिसको लोगों ने बहुत एंजॉय भी किया एंड आज कर रहे हैं। बट हमें नहीं बोलना चाहिए कि यार बहुत कुछ नहीं भी आया, जैसे कितना सारा कंटेंट था जो कि 1.19 में कट कर दिया गया, जैसे कि बर्च फॉरेस्ट, फायरफ्लाइज, कॉपर हॉर्न्स, बंडल्स एंड और भी बहुत कुछ। ये कंटेंट या तो इसलिए कट किया गया क्योंकि वो डेवलपर्स के अकॉर्डिंग सूट ही नहीं कर रहा था, या फिर इनके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी एंड इनको डिले किया गया नेक्स्ट अपडेट के लिए। तो 2022 में सिंपली आपको काफी कम कंटेंट देखने को मिला जिसकी वजह से प्लेयर्स छोड़ रहे हैं अभी से। अब जैसे 1.19 में बहुत से इंटरेस्टिंग कंटेंट हटा दिया गया था, तब से मोजैंग के डेवलपर्स ने केयरफुल अप्रोच लेनी शुरू दी फ्यूचर अपडेट्स के लिए, एंड उनके खुद के वर्ड्स हैं कि वो अब कुछ भी ऐसा रिवील नहीं करना चाहते जिसको वो बाद में डाल ही ना पाए। एंड इसलिए अगर 1.20 अपडेट को आप देखो तो हमें बहुत कम पता लगा है उसके बारे में, मतलब बैम्बू वुड आ रहे हैं, हैंगिंग साइंस आ रहे हैं, चिसल बुकशेल्फ और मॉब वुड का विनर स्निफर। हमें ना ही ये पता कि इस अपडेट का नाम क्या होगा और ना ही ये पता कि इस अपडेट की थीम क्या होगी। तो भले ही डेवलपर्स ने सेफ खेलने का सोचा हो कि सिर्फ वही बताएंगे जो वो 100% डाल पाए, बट इस तरह कम्युनिटी एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। आप ही मेरे को बताओ कि जब केव्स एंड क्लिफ्स का अपडेट आने वाला था या वाइल्ड अपडेट आने वाला था तो आप कितना ज्यादा एक्साइटेड थे, आप लोग इंतजार कर रहे थे कि वो कब आएगा या उसके स्नैपशॉट्स में जाके ट्राई कर रहे थे उसे। बट इस बार तो काफी अनसर्टेनिटी सी हो गई है 1.20 को लेके कि पता नहीं कब आएगा, क्या आएगा, एंड इसलिए हाइप भी काफी ज्यादा कम हो गई है। फिर ना अब ये भी बात आ जाती है कि बस 2-4 ब्लॉक से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ बड़ा चाहिए। हाँ, ये नए ब्लॉक्स या फिर मॉब्स जब भी आते हैं तो उन्हें यूज करने में मजा आता है, मन करता है उन्हें खेलने का, बट वो हमें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते। आपको और मुझे चाहिए कुछ बड़ा, कुछ नए बायोम्स या फिर कुछ नई टाइप की लोकेशंस, जैसे कि नए केव्स आई थी, एंशियंट सिटीज आई, तो ऐसा कुछ आना चाहिए जिसको लगे कि हाँ अगले कुछ महीनों तक एंजॉय किया जा सकता है। बट 1.20 में अभी के लिए तो सिर्फ कुछ मॉब्स एंड ब्लॉक्स ही आ रहे हैं, इसके अलावा अगर कुछ बड़ा आएगा तो वो हमें पता नहीं। लोग स्पेकुलेट तो कर रहे हैं कि डेजर्ट बायोम नया आ जाएगा या फिर सवाना बायोम आएगा, बट कुछ भी कंफर्म्ड नहीं है। फिर एक ये भी बड़ा रीजन है कि अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है। हाँ, लॉकडाउन अपने आप में काफी बुरा था, कितनी बीमारी फैली एंड कितने लोग को हमने खो दिया। मैं यहाँ इनसेंसिटिव नहीं हो रहा हूँ बल्कि फैक्ट्स बता रहा हूँ कि लॉकडाउन गेम एंड टेक कंपनीज के लिए काफी अच्छा रहा, क्योंकि जब लोग घर पे बंद थे तो या तो गेम्स खेल रहे थे या फिर सोशल मीडिया चला रहे थे। तब उनका स्कूल ऑनलाइन था, एग्जाम सभी को पता है कि कैसे पास करें हैं, मतलब पढ़ाई भी नहीं हो रही थी एंड टाइम खूब था सभी पे, इसलिए ना सभी पूरे दिन डिस्कॉर्ड पे बैठे हैं, गेम्स खेले जा रहे हैं या अपने फेवरेट स्ट्रीमर को देख रहे हैं। एंड ये हमें ग्राफ में क्लियरली दिख सकता है कि लॉकडाउन के टाइम माइनक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गई थी, लोग सबसे ज्यादा इसे खेल रहे थे एंड ये ऑलमोस्ट सभी गेम से ऊपर भी चल रहा था। बट भाई, अब तो बच्चों के स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, लोग जॉब पे जाने लगे हैं, जिसकी वजह से सिंपली टाइम नहीं है अब खेलने का। फिर कुछ माइनक्राफ्ट गॉड्स ये भी मानते हैं कि 100 डेज सर्वाइवल ने माइनक्राफ्ट को रुइन कर दिया। हाँ, वो बहुत अच्छा ट्रेंड चला था जिसपे बहुत क्रिएटर्स ने वीडियोस बनाए, वो बहुत जल्दी ग्रो करे एंड ऑडियंस को भी खूब मजा आ रहा था देखने में। वो ट्रेंड भी एक रीजन था जिसकी वजह से माइनक्राफ्ट इतना पॉपुलर हुआ, बट उसकी वजह से ना ऑडियंस का व्यूइंग पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि जो सर्वाइवल सीरीज उन्हें 100 एपिसोड्स में मिलती है, 100 वीडियोज में मिलती, वो उन्हें सिर्फ एक ही वीडियो में मिलने लगी, जिसकी वजह से सभी को बस फास्ट पेस सर्वाइवल कॉन्टेंट पसंद आ रहा था एंड वो पुरानी सर्वाइवल सीरीज कम देख रहे थे। ऐसे में जो नॉर्मल गेम प्लेस बनाते थे उनके व्यूज कम हो गए एंड उन्हें भी 100 डेज सर्वाइवल पे शिफ्ट करना पड़ा, एंड फिर इतनी ज्यादा वीडियोस बनने लगी कि ऑडियंस इससे भी बोर हो गई, क्योंकि कोई ट्रेंड यार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। एंड ये भी मानना पड़ेगा कि बहुत सारा 100 डेज का कंटेंट फेक भी बना था। फिर किसी गेम की पॉपुलैरिटी में क्रिएटर्स का आजकल बहुत बड़ा रोल होता है, लोग गेम्स खेलते हैं एंड उनके व्यूअर्स भी उनको फॉलो करते हैं। बट रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि पॉपुलर क्रिएटर्स गेम छोड़ने लगे हैं, जिससे ओवरऑल व्यूज कम हो गए हैं एंड कम व्यूज की वजह से जो मिड लेवल एंड छोटे क्रिएटर्स हैं वो भी अब धीरे धीरे गेम छोड़ रहे हैं। बिगेस्ट रीजन यही है कि यार कितना ही कंटेंट बना लोगे आप गेम के ऊपर, अगर व्यूअर बोर होता है तो कंटेंट क्रिएटर उससे भी जल्दी बोर होता है, क्योंकि व्यूअर तो बस 10-15 मिनट की वीडियो देख रहा है, बट क्रिएटर उस वीडियो को बनाने के लिए 10 घंटे लगा रहा है, जिसका मतलब क्रिएटर ज्यादा देर तक एक गेम से एक्सपोज रहता है एंड इसलिए वो जल्दी बोर होता है। बट स्टिल वो कोशिश करता है कंटेंट बनाते रहने की, क्योंकि ऑडियंस अभी बोर नहीं हुई है। बट जब ऑडियंस बोर हो जाती है ना एंड व्यूज करने लगते हैं, तब क्रिएटर पे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन खत्म हो जाता है, क्योंकि बोर तो वो बहुत पहले ही हो गया था एंड अब व्यूज भी नहीं आ रहे, तो फिर कुछ ऐसा ही बना लो जो एटलीस्ट खेलने में मजा आए। फिर ये भी एक रीजन है कि मोजैंग का ना अब कोर माइनक्राफ्ट पर फोकस कम हो गया है एंड वो स्पिन ऑफ्स पे भी ध्यान देने लगा है, लाइक
माइनक्राफ्ट डंजंस, माइनक्राफ्ट लेजेंड्स, आई मीन ये कंपनी के लिए अच्छा ही है क्योंकि वो ट्राई करेगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा गेम्स बनाओ, और थोड़ा सा रिस्क भी कम हो जाता है कि यार आपका सारा रेवेन्यू सिर्फ एक गेम से नहीं आ रहा बल्कि मल्टीपल गेम से आ रहा है। बट ये प्लेयर्स के लिए शायद इतना अच्छा नहीं है क्योंकि जहां मोजैंग पहले सिर्फ माइनक्राफ्ट पे फोकस कर रहा था, अब वो डंजंस के लिए भी अपडेट्स ला रहा है एंड लेजेंड्स को भी लॉन्च करने वाला है। ऑल्सो एक ये भी पॉइंट आता है कि जैसे माइनक्राफ्ट अपने आप में एक यूनिक गेम था बट उसके जो स्पिन ऑफ्स हैं वो एक्चुअली दूसरों को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक डंजंस डायबलो जैसा है, एंड लेजेंड्स जो है वो मुझे लग रहा है कि पॉपुलर स्ट्रेटजी गेम जैसा ही होगा। बट ये प्रॉब्लम भी यार सभी गेम डेवलपमेंट कंपनीज के साथ हो रही है जो सिर्फ एक गेम की वजह से पॉपुलर हुई है, लाइक एंग्री बर्ड स्टार्टिंग में यूनिक था बट बाद में उसने दूसरों को कॉपी करना शुरू कर दिया। टिम्बलडन पहले यूनिक था, फिर उसने कैंडी क्रश जैसे गेम बना दिया। फिर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मॉब वॉर्स गेम का कुछ भला नहीं कर रहे हैं बल्कि बिगाड़ ही रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो मॉब वॉर्स रिग्ड होते हैं, कोई बड़ा क्रिएटर आके बोलेगा कि इसके लिए वोट करो एंड बच्चे मेरे मतलब उसके फॉलोअर्स वही करेंगे। इस वजह से कई बार ऐसे मॉब्स ऐड हो जाते हैं जो बाद में लोग हेट ही करते हैं इवन व्हेन जब वो खुद भी डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कि एली। द विनर इज The Alley. सबको लगा बहुत ही क्यूट मॉब है बट गेम में दिखता कहाँ है, इतना ज्यादा रेयर है तो उसका होना या ना होना बराबर ही है। एंड फिर लोग वापस से मोजैंग को गाली देते हैं कि यार ये कैसे मॉब बना दिया। इसका सॉल्यूशन ये कि यार मोजैंग को अपने अकॉर्डिंग ही मॉब्स ऐड करने चाहिए एंड ज्यादा वोटिंग वगैरह कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने गेम बनाया है, वो बेस्ट जानते हैं उसके बारे में। एंड ऑनेस्टली हमें नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। वैसे बहुत से लोग जो वोट करते हैं वो बच्चे होते हैं जिनका तो कब मूड चेंज हो जाए पता नहीं लगता। अब माइनक्राफ्ट की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा हिस्सा उसके ऑनलाइन सर्वर्स की वजह से भी है। लोग ऑनलाइन सर्वर्स में घंटों खेलते थे एक दूसरे के साथ एंड उसमें बहुत ही बढ़िया मिनी गेम्स भी होते थे जिसमें टॉप पे हाईपिक्सल एंड माइनप्लेक्स जैसे सर्वर्स आते हैं, बट अब वो सर्वर्स भी बहुत कुछ नया नहीं ला पा रहे हैं जिसकी वजह से वो बोरिंग हो गए हैं। साथ ही जो गेम मोड्स के साथ प्रॉब्लम्स थी वो भी अब फिक्स नहीं हो रही है, और अगर आप एक ग्राफ देखो तो पता लगेगा कि इन सर्वर्स के भी ऑनलाइन प्लेयर्स अब गिरने लगे हैं। एंड अगर प्लेयर्स ना गिर रहे हो तब बहुत से सर्वर्स बंद ही हो रहे हैं, फिर जो ऑनलाइन सर्वर्स ना भी खेल रहे हो तब भी लोग बोर हो गए हैं बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आप कितनी बार ही सर्वाइवल खेल लोगे, कितनी बार ही एंडर ड्रैगन को मार लोगे या कितने ही घर या स्ट्रक्चर्स बना लोगे, कभी ना कभी तो थकोगे, बोर हो गए एंड गेम छोड़ोगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई सॉन्ग आपको बहुत पसंद आ जाए, अब आप उसे लूप पे सुने जा रहे हो, एक दिन हो गया, एक हफ्ता हो गया, एक महीना हो गया, बट कभी ना कभी तो बोर हो गए और जब बोर हो गए तब उसको दोबारा सुनने का मन नहीं करेगा। वो सॉन्ग अभी भी आपका फेवरेट है बट चेंज के लिए आप कुछ और सुनने लगोगे एंड जब कुछ टाइम बाद वापस आओगे तब अच्छा लगेगा। एंड यही मैं माइनक्राफ्ट के लिए भी कहना चाहूंगा, ये अभी भी आपका फेवरेट गेम है, बस इतना ज्यादा खेल लिया उसे पिछले 2 साल में कि अब मन ही नहीं कर रहा, कुछ टाइम के ब्रेक के बाद वापस आओगे तो मजा आने लगेगा। साथ ही जब मोजैंग 1.20 अपडेट को अच्छे से अनाउंस करेगा, उसमें आने वाले सभी फीचर्स को रिवील कर देगा, तब देखना माइनक्राफ्ट की कम्युनिटी वापस एक्टिव हो जाएगी एंड अपडेट के आने के बाद उसका ग्राफ वापस उठने लगेगा। एंड 1% अगर मान लो कि 1.20 अपडेट बहुत ही बेकार रहता है उसके बाद भी माइनक्राफ्ट वापस पॉपुलर हो सकता है, बस एक नया ट्रेंड चाहिए। जी हाँ, सोशल मीडिया ट्रेंड्स है जो कि किसी चीज को पॉपुलर करते हैं। एंड गेमिंग में तो देखा गया कि कोई भी ट्रेंड ना ज्यादा लंबे समय तक चल पाता है, जैसे गेटिंग ओवर इट का ट्रेंड, चूचू चार्ल्स का ट्रेंड, एंड इवन माइनक्राफ्ट की ही हिस्ट्री उठा के देख लो भाई, कितनी बार ऐसा हुआ कि माइनक्राफ्ट का ग्राफ बिल्कुल नीचे जा रहा था बट फिर कुछ नया ट्रेंड आता था एंड गेम वापस से ऑल टाइम हाई पॉपुलैरिटी पे पहुंच जा रहा है, चाहे वो पीडीपाई की सीरीज हो या फिर 100 डे सर्वाइवल। तो मेरे अकॉर्डिंग गेम डेड नहीं हुआ है, हाँ पॉपुलैरिटी बहुत कम है बट देखना है बहुत जल्दी वापस उठेगा। अब यही सेम उम्मीद मैं टेम्पलडन के साथ भी लगा रहा हूँ, अगर उसका फॉल जानना है तो उसके लिए लेफ्ट वीडियो देखो, एंड वीडियो गेम्स आपका डेटा कैसे चुराते हैं उसके लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।